विधिक सेवा प्राधिकरण ने आधा दर्जन ग्रामों में जागरूकता शिविर का आयोजन किया। जालसाज चिटफंड कंपनी से बचाव की दी जानकारी। दुर्ग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव के निर्देशन में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। लगभग आधा दर्जन गांवों में आयोजित किए गए शिविर में जालसाज चिटफंड कंपनियों से बचाव की जानकारी दी गई और ग्रामीणों को किसी भी तरह के लुभावने वायदों से सचेत रहने को कहा गया। जिसकी जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल शर्मा ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित किए गए शिविर में ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को चिटफंड कंपनी के लोक लुभावने वादों से बचाव की जानकारी दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि चिटफंड कंपनियों में निवेश के पूर्व चिटफंड कंपनियों की पूरी जानकारी लें। उन्होंने कहा कि जो कंपनियां राज्य शासन के द्वारा रजिस्टर्ड की गई हैं, उन्हीं कंपनियों में निवेश करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजेश शर्मा ने कहा कि शिविरों के आयोजित करने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के भोले भाले किसानों और नागरिकों को जालसाज कंपनियों से बचाना है। इस संबंध में विधिक सचिव राहुल शर्मा ने न्यूज टीम को अपनी जानकारी दी। माननीय जिला सत्रधीश श्री राजेश श्रीवास्तव साहब के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में लोगों को जागरूक करने हेतु आज के डेट में चिटफंड कंपनियां, बहुत सारी ऐसी चिटफंड कंपनी हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं, जिसमें बहुत सारे लोग अपना पूंजी लगा रहे हैं और उनको नुकसान का उठाना पड़ रहा है। इसी उद्देश्य को हम करना के लिए लोगों को जागरूक कर सके, किसी भी कंपनी में बिना सोचे समझे निवेश ना करें। किसी कब चिटफंड कंपनी को निवेश करने से पहले उसको ये जांच लें कि वो स्टेट गवर्नमेंट राज्य शासन की ओर से रजिस्टर्ड है कि नहीं, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट में होना कंपलसरी है। अगर ऐसी कोई कंपनी स्टेट गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे किसी कंपनी में भी पैसा ना लगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये हुआ कि जब धान खरीदी और बिक्री होती है तो उसमें लोगों को जो पैसा मिलता है तो वो पैसा डबल करने के उद्देश्य से इन चिटफंड कंपनियों को भी पैसा लगाते हैं और ये कंपनी खड़ा करके चले जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि लोग अपना पैसा किसी भी ऐसे कंपनी में ना लगाएं जो लालच देख के आपको दिनों दिन अमीर बनाने की झूठे अवैध देती है। तो अपना पैसा संभाल के रखें और कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी की पूरी हिस्ट्री पढ़ लें कि उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, तो हमने शुरू किया जी। इसी उद्देश्य के साथ हमने रसमड़ा, एक दो और गाँव हैं उत्तरी के पास एक गांव है, उसमें हम लोगों ने कैंप के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, जहां धान बिक्री की भी कार्रवाई की जा रही थी। उसमें लोगों को इस माध्यम से बताया गया कि अपने पैसे को निवेश इस तरीके से ना करें। कोई भी व्यक्ति दिनों दिन रातों रात अमीर नहीं हो सकता, उसकी प्रक्रिया होती है, उसको प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही अपना पैसा निवेश करें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।